हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माय नेम इज़ भाग्यश्री खेतान। आज का ये आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड के फर्स्ट वीडियो है। देखो बेटा, ये जो आपके डेफोडिल की बुक है ना, मोटी वाली बुक है, जो उसकी फर्स्ट टर्म का साइंस का फर्स्ट चैप्टर आज हम समझेंगे, जिसका नाम है प्लांट्स एंड देयर काइंड्स। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्लांट्स मीन्स पौधे एंड देयर काइंड, काइंड मीन्स प्रकार, पौधे और उनके प्रकारों के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे उसके बारे में। ठीक है ना बेटा? तो इसको आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट होते हैं और उसके प्रकार कौन कौन से रहते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, मीन्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। दे ग्रो ऑल अराउंड अस, वो हमारे आसपास ही उगे हुए रहते हैं। जैसे अभी इन दिनों बारिश का मौसम है, तो बारिश गिरने की वजह से जगह जगह पेड़ पौधे निकल आते हैं ना, तरह तरह के, तो कितना अच्छा लगता है, सब जगह ग्रीनरी हो जाती है ना, सुंदर लगता है। प्लांट्स मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे वर्ल्ड मतलब दुनिया को ब्यूटीफुल सुंदर बनाते हैं। वी कैन सी प्लांट्स इन अ गार्डन, हम पेड़ पौधे कहाँ पर देख सकते हैं, गार्डन में और इन अ हाउस और इन अ पार्क। देखो, गार्डन में बगीचे में देखते हैं, इन अ हाउस हम लोग घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, खिड़कियों पे लगा के रखते हैं ना छोटे छोटे गमलों में, और इन अ पार्क या फिर बगीचों में देखते हैं, है ना। तो हमको पेड़ पौधे कहाँ कहाँ पे देखने मिलते हैं, गार्डन में, घर में और पार्क में। वी कैन ऑल्सो सी प्लांट्स इन द फॉरेस्ट और अलोंग द रोड साइड, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, रोड साइड मीन्स रोड के किनारों पर। जब आप हाईवे बाजू जाते हैं या भी इन दिनों बारिश की वजह से, तो जगह जगह पेड़ पौधे उगे हुए हैं ना, तो रोड के दोनों तरफ देखने मिलते हैं ना तरह तरह के पेड़ पौधे हमको, या फिर कहाँ पर देखने मिलते हैं, जंगल में जाते हो ना घूमने के लिए, जंगल में जैसे कि सापूतारा हुआ, गिर का जंगल हुआ, वो सब किसके लिए मशहूर हैं, क्योंकि वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होते हैं जिसको देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर देखने मिलते हैं हमको पेड़ पौधे, गार्डन में, फॉरेस्ट में, रोड साइड में। अब देखो, रोड के दोनों तरफ है ना पेड़ पौधे, कितना सुंदर लगता है ना, या फॉरेस्ट में, जंगलों में तो सिर्फ पेड़ पौधे ही होते हैं, या गार्डन में, बगीचे में, या पीछे डिंडोली तालाब में जाते हो ना खेलने के लिए शाम को, वहाँ पर कहाँ पर खेलने के मजा आती है, घास पर ना, तरह तरह के वहाँ पर फूल देखते हो, है ना, तो वो कौन उसको क्या बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट। अब नीचे हमको इसमें क्या जानने मिलेगा, कौन कौन से तरह के पेड़ पौधे होते हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट मतलब पेड़ पौधों के प्रकार। सम प्लांट्स आर बिग वाइल सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम मतलब थोड़े प्लांट होते हैं जो छोटे होते हैं, और कोई कोई प्लांट है जो बड़े होते हैं। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट शेप एंड साइज, हर प्लांट का अलग अलग शेप और साइज, मतलब अलग अलग शेप रहता है उनका, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, किसी की पत्तियां बड़ी रहती है, किसी के फूल छोटे रहते हैं, है ना, उसी को ही तो देख के हम पहचान पाते हैं ना कि अरे ये तो तुलसी का पौधा है या आम का पेड़ है। अगर सबका लुक सेम रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पेड़ पौधा है ना। द मैंगो, पीपल, नीम एंड कोकोनट आर बिग प्लांट, देखो बेटा, मैंगो मतलब आम है, पीपल है, नीम है, कोकोनट मीन्स नारियल है, वो सब कैसे हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, मीन्स वो क्या है, आम का तो पेड़ होता है ना, आम का पौधा थोड़ी होता है, पहले वो पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसमें कैरी लगती है, फिर वो पक के क्या आम बन जाती है ना, तो वो सब क्या है, बड़े बड़े प्लांट हैं, मतलब वो बड़ा प्लांट है। अब ये क्या है, डू यू नो, क्या आपको पता है, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस विच ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इन। आप लोगों को पता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो हम जो सांस लेते हैं ना, हम जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, वो सांस जो हम छोड़ते हैं ना, वो कौन सी गैस हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, और जो सांस हम लेते हैं ना अंदर, वो कौन सी लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो आप लोगों को पता है हमको ऑक्सीजन किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। अगर पेड़ पौधों को काटेंगे, हम पेड़ पौधे नहीं उगाएंगे, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं
और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मीन्स जब हम सांस छोड़ते हैं, तो वो जो जो हवा निकलती है ना हमारे नाक से, वो कौन खींच लेता है? पेड़ पौधे खींच लेते हैं, क्योंकि उनका खाना वही होता है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जिस वजह से हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा पाता है, और जो हम सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो पेड़ पौधे खींच लेते हैं, तो उससे उनका पेट भर जाता है, वो उससे सांस ले पाते हैं। इसलिए हमको पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ताकि हमको ऑक्सीजन गैस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है देखो, कौन कौन से बिग प्लांट होते हैं, देखो आप पिक्चर भी देख लो। ये कौन सा है? मैंगो है। मैंगो ट्री तो देखा है ना सबके गांव में होगा, पत्थर मार मार के गिराते हो कैरियाँ नीचे खाने, है ना। फिर है पीपल है, पीपल का पेड़ होता है ना जिसकी पूजा करते हैं, है ना। पता है आप लोगों को, ये सिर्फ झूठी कहानियाँ होती है कि पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं, भूत होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ ही देता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ अपने एरिया में होने चाहिए। इसलिए पेड़ पौधे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपको सांस लेने में मदद करता है। इसलिए पेड़ पौधों को कभी भी हमको नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे आप गार्डन में जाते हो, घूमते फिरते, उसके पत्ते तोड़ लिए, फूल नोच के निकाल लिया, ये सब गंदी बात होती है, ये हमको करना चाहिए नहीं। और अगर कोई करता दिखे तो हमको उसको रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके वजह से ही हम सांस ले पा रहते हैं ना। आप लोगों को पता है बेटा, पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर आप उनके पत्तियां खींचोगे, फूल नोच के जल खींच के निकालोगे, तो उनको भी बुरा लगता है, उनको भी चोट लगती है, उनको भी दुखता है। अब आप लोगों के बाल खींचें, गाल खींचें, तो आप लोगों को दुखेगा कि नहीं दुखेगा? दुखेगा ना। वैसे पेड़ पौधों में भी जान होती है, तभी तो हमको समय समय पर उनको पानी पिलाना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, तभी वो ग्रो करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनमें भी जान होती है। अब कुर्सी टेबल है, आपकी पेंसिल है, उस पर पानी गिराओगे वो बड़ी होएगी? नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं है। वैसे पेड़ पौधों में हमारी तरह जान होती है। वैसे तीसरा कौन सा है? नीम का पेड़। अब नीम का पेड़ तो कितना काम आता है, कोरोना के समय सबने पिया है ना, काढ़ा बना बना के ज़बरदस्ती मम्मी ने पिलाया है ना। तो कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, पेड़ पौधा हमको काम ही आता है, इसलिए हमको कभी भी उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ ये वाला पेज समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट पेज में क्या है देखो, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? ब्रिंजल, टोमेटो, मिंट एंड तुलसी आर स्मॉल प्लांट्स, दे कैन नॉट ग्रो वेरी टॉल। अब देखो, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, टोमेटो मीन्स टमाटर, मिंट मीन्स पुदीना, और तुलसी आर स्मॉल प्लांट। अब देखो, बैंगन, टमाटर, पुदीना और तुलसी का प्लांट कैसा होता है? वो छोटा प्लांट होता है। दे कैन नॉट ग्रो वेरी टॉल, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो ज़्यादा बड़े पौधे नहीं बन पाते हैं, वो छोटे ही रह जाते हैं। अब तुलसी का प्लांट तो सबके ही घर में होगा, उसको खिड़की पे या घर के बाहर लगा रखे हो ना, वो बड़ा होके पेड़ नहीं बनता है, वो छोटा पौधा ही रह जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले पेज पर भी बताया, हर पौधे का अलग अलग तरीका होता है, कोई छोटा रह जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो वैसे ही उसमें बैंगन, टमाटर, पुदीना और तुलसी का प्लांट जो है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता है, वो कैसा रहता है? वो छोटा ही रहता है। इसलिए हम सब जने उसको आसानी से अपने अपने घर में लगा पाते हैं। अब आम का पेड़ तो घर में नहीं लगाते हो, क्यों? क्योंकि उसको बड़ा होने के लिए बड़ी जगह चाहिए। ठीक है, वैसे ही इन सब पौधों को छोटी जगह ही चाहिए। अगर आप लोग चाहो ना, तो ये अपने अपने घर में उगा सकते हो, है ना। तो देखो, मिंट कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये किसका पौधा है? मिंट का, मीन्स पुदीना का। ये तुलसी का है ना। तो ये प्लांट कैसे होते हैं? ये छोटे ही रहते हैं, ये छोटे गमले में भी आसानी से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, उनको हम प्लांट में नहीं लगा पाते हैं ना, गमले में नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गमले में ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक? आगे ले। अब देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है? ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़। सम प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर।
कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं मैनी ईयर, मतलब वो बहुत ज़्यादा सालों तक जिंदा रह सकते हैं। दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत लंबे और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्री, उन पेड़ों उन पौधों को क्या बोला जाता है, ट्रीज बोला जाता है, मतलब कि पेड़ बोला जाता है। क्यों? उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। आप लोगों को पता है आम का पेड़ की उम्र कितनी होती है? कम से कम 30 से 40 साल उसकी उम्र होती है। क्यों? क्योंकि उसको आम पकाने में ही 10 साल लग जाते हैं, तब पहला आम उस पर लगता है। इतना टाइम लगता है उसको बड़ा होने में, तो उसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े पेड़ हो, जो ऐसे प्लांट जो धीमे धीमे बड़े होते हैं लेकिन वो बहुत मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है, ट्रीज बोला जाता है। अब जैसे पेड़, जैसे कोई छोटे गमले में आपने पौधा लगाया, उसको आप आसानी से थोड़ा भी उसके ऊपर जोर दोगे वो फट से टूट जाएगा या निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो ट्रीज रहते हैं, उसको आप धक्का देके गिरा पाते हो? नहीं गिरा पाते हो ना। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है बेटा? ट्रीज बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है। आ रहा है समझ में? दे आर कॉल्ड ट्रीज, सम ट्रीज आर थिक, कोई कोई पेड़ होते हैं थिक, मतलब भी बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं। दे ग्रो स्ट्रेट एंड देन स्प्रेड आउट, वो एकदम सीधे ही बड़े होते हैं और उसके बाद वो ऊपर बड़े होने के बाद वो फैलते हैं, नहीं तो वो उनकी जो जड़ रहती है वो सीधी सीधी ही बड़ी होती है और फिर बड़े होने के बाद वो टहनियाँ डालियाँ और फल पत्ते अपने निकालते हैं। तो कौन कौन सा ट्री है? देखो, गुलमोहर ट्री है, एप्पल ट्री है, ठीक है ना। फिर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, गुलमोहर बनियान एंड एप्पल ट्रीज स्प्रेड आउट एज दे ग्रो। गुलमोहर का पेड़ है, बनियान का, बनियान मीन्स बरगद का पेड़ है, एप्पल मीन्स सेब का पेड़ है। ये सब पेड़ कैसे होते हैं? जो सीधे सीधे बड़े होते रहते हैं, उसके बाद बड़े होने के बाद वो फैलते हैं ऊपर जाने के बाद। कोई कोई पेड़ कैसे होते हैं? जो धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी डालियाँ निकलने लगती है। लेकिन गुलमोहर है, बनियान है, एप्पल है, ये सब कैसे हैं? पहले सीधे सीधे बड़े होते जाएंगे, उसके बाद उनकी टहनियाँ पत्तियाँ और फूल फल लगते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है, स्ट्रेट जो सीधे खड़े रहते हैं उन पेड़ों के एग्जाम्पल हैं ये। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि आपके क्वेश्चन आया कि गिव एग्जाम्पल ऑफ दे दोज ट्रीज दे ग्रो स्ट्रेट, ऐसे पेड़ों का एग्जाम्पल दो जो सिर्फ सीधे ही बड़े होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बेटा? गुलमोहर, बनियान एंड एप्पल, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? सम ट्रीज आर थिन एंड स्ट्रेट, कोई कोई पेड़ हैं जो थिन मीन्स पतले रहते हैं और सीधे ही बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट, अशोका एंड पाइन ट्रीज। देखो, जो पेड़ जो पतले रहते हैं, जिनकी जड़ जो है वो पतली रहती है लेकिन वो भी सीधे बड़े होने के बाद वो फैलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो सीधे, एक तो वो पतले रहते हैं, ऊपर से वो एकदम सीधे रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? एकदम पतले पतले ट्री रहते हैं और सीधा ऊपर जाने के बाद उनकी पत्तियां निकलती है और फिर उनके फल लटकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? कोकोनट, अशोका और पाइन ट्री रहते हैं, ठीक है। दो तरह के ट्री हमने देखे, ठीक है। एक दो जिनकी जड़ बहुत ज़्यादा मोटी रहती है और फिर वो ऊपर जाने के बाद फैल जाते हैं, और एक जिनकी जड़ बहुत ज़्यादा पतली रहती है और वो ऊपर जाने के बाद ही फल देते हैं। आया बेटा समझ में? ट्रीज का मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, आप एक देख लो, ये गुलमोहर है, एप्पल है और बनियान है ना। अब स्ट्रेट और थिन ट्री कौन से हैं? कोकोनट है, देखो एकदम सीधा रहता है, पत्ते बड़े बड़े रहते हैं और फिर नीचे में नारियल लटकते हैं, है ना। अशोका है और ये पाइन ट्री है, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको बेटा? यहाँ तक समझ में आया ट्रीज मतलब?
कोकोनट ट्री के बारे में तो पता होगा, मोटू पतलू कार्टून देखते हो, उसमें वो गोली चलाता है तो निकलता है ना उसमें से नारियल, है ना, नारियल को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोकोनट बोलते हैं। तो उसका ट्री भी देखो जड़ कितनी पतली है इसकी, है ना। अब नेक्स्ट पेज ले, आप लोग अपनी बुक पर रख रहे हो ना जहाँ जहाँ पर मेरी पेंसिल है, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में पेज टर्न करना है और जो मैं बोल रही हूँ उसको मेरे साथ में रिपीट करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज क्या है देखो, नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है, हर्ब्स दिख रहा है सबको, देखो नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है, हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी, ऐसे पेड़ पौधे जो हमको जड़ी बूटियाँ बनाने में मीन्स आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अभी कोरोना के समय में सबको जड़ी बूटियों का मतलब समझ में आ गया होगा ना, उनका कितना इम्पोर्टेंस है। अगर हम पेड़ पौधों को ग्रो नहीं करने देंगे तो हमको कोरोना के समय काढ़ा पीने नहीं मिलता, तो हम कोरोना से दूर नहीं रह पाते, है ना। तो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो उसमें कौन सा है, सबसे पहले हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी वाले पौधे। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड सीजनल प्लांट। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ के पौधे कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंड सीजनल प्लांट मीन्स, सीजनल मीन्स उनका जब सीजन होता है वो तभी उग पाते हैं, तभी वो ग्रो करते हैं। वो कैसे, उनको क्या बोला जाता है, हर्ब्स बोला जाता है। दे हैव सॉफ्ट थिन एंड ग्रीन स्टेम्स। उन लोगों के सॉफ्ट मीन्स एकदम सॉफ्ट, एकदम नाजुक, थिन मतलब पतली, और हरे कलर की स्टेम मीन्स उनकी जो डालियाँ होती हैं, जैसे कि पेड़ों की डालियाँ कैसी होती है बेटा, आप लोगों को पता होगा, ब्राउन कलर की। यस वेरी गुड, कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। पेड़ों की, ट्रीज की डालियाँ ब्राउन कलर की होती है, उनके सिर्फ पत्ते लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हर्ब्स होते हैं, जो जड़ी बूटियों के पौधे होते हैं, उनकी डालियाँ कैसी होती है, सॉफ्ट, एकदम नाजुक होती है, थिन मतलब पतली होती है, और ग्रीन मतलब ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती है। ग्रास एंड स्पिनिच आर हर्ब्स, दे लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स। देखो ग्रास मीन्स घास, स्पिनिच मीन्स पालक, ये दोनों क्या है, जड़ी बूटी वाले पौधे हैं, हर्ब्स हैं। दे लीव फॉर अ फ्यू मंथ, वो सिर्फ थोड़े से समय के लिए ही जिंदा रह पाते हैं, वो थोड़े थोड़े महीनों में ही उनका सीजन आता है। अब देखो पालक है जो स्पिनिच है, वो सिर्फ ठंड के समय में ही मिलता है ना, वो तो अब केमिकल वाली खाद डालने की वजह से 12 महीने अब सारी सब्जियां मिलने लगी, लेकिन उसका मेन सीजन कौन सा रहता है, विंटर का सीजन रहता है पालक का, ठीक है। अगर आपको सीजनल खानी है तो आपको फ्रेश और बिना दवाई मिली हुई पालक कब मिलेगी, ठंड के समय मिलेगी, यानी कि वो कैसा हो गया, सीजनल प्लांट हो गया, ठीक है ना। तो हर्ब्स कैसे होते हैं, एक तो उनकी स्टेम कैसी रहती है, सॉफ्ट थिन और ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। स्टेम मीन्स डाली, बराबर। पेड़ों की कैसी रहती है, ब्राउन कलर की रहती है। लेकिन जो हर्ब्स होते हैं उनकी डालियाँ कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ग्रास एंड स्पिनिच, वो क्या है, हर्ब्स हैं। दे लीव फॉर अ फ्यू मंथ, वो सिर्फ थोड़े ही मंथ के लिए जिंदा रह पाते हैं, उसके बाद वो पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। आया हर्ब्स का मतलब समझ में आया बेटा, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी, और वो कैसे रहते हैं, सीजनल रहते हैं, वो थोड़े ही समय के लिए उग पाते हैं। अब देखो ये किसका पिक है, ग्रास का पिक है, और ये कौन सा है, स्पिनिच है, पालक है, खाते हो ना पालक, खाना चाहिए सबको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले, नेक्स्ट क्या है, श्रब्स। श्रब्स मीन्स कैसा होता है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, श्रब्स। श्रब मीन्स झाड़ियाँ, स्मॉल एंड बशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। अब ये कैसा है, श्रब्स की डेफिनेशन है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। स्मॉल मीन्स छोटा, बशी मीन्स जंगली, प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो छोटे और जंगली पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, झाड़ियाँ बोला जाता है, श्रब्स बोला जाता है। दे हैव अ स्टेम थिनर देन दैट ऑफ अ ट्री,
इन लोगों की जो स्टेम रहती है, जो इनकी डालियां रहती है, वो कैसी रहती है? पेड़ों से, ट्रीज से थोड़ी पतली रहती हैं, थिनर। पेड़ों से पतली रहती हैं जिनकी डालियां, उनको क्या बोला जाता है? श्रब्स, झाड़ियां बोला जाता है। उसके एग्जांपल जैस्मिन, कॉटन एंड रोज आर श्रब्स, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। जैस्मिन मीन्स जासूद, कॉटन मीन्स रुई, और जो रोज मीन्स गुलाब क्या है, वो किसके एग्जांपल है? श्रब्स के, झाड़ियों के। दे लिव फॉर मैनी ईयर, ये श्रब्स जो होते हैं वो भी पेड़ों के तरह ज़्यादा सालों तक जिंदा रह सकते हैं। डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है? श्रब्स डू नॉट ग्रो वेरी हाई। हर्ब्स की तरह जो श्रब्स रहते हैं, मीन्स जो झाड़ियाँ रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। ट्रीज की तरह ये बड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन और इनकी स्टेम जो रहती है वो पेड़ों से पतली रहती है, लेकिन हर्ब्स की तरह ग्रीन कलर की नहीं होती है, वो ब्राउनी कलर की होती है। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं ट्रीज की तरह, ठीक है? उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैस्मिन, कॉटन एंड रोज, वो क्या हैं? झाड़ियाँ हैं, वो भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो पेड़ के तरह बड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको भी घर में आसानी से उगा सकते हैं। किसी किसी ने लगा रखा होगा घर में जैस्मिन का पेड़, रोज़ का पेड़। वो पेड़ नहीं है, वो उसका झाड़ी है, पौधा है, लेकिन उसको कैसे माना जाता है? छोटा पेड़ ही माना जाता है, लेकिन वो बड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम उनको आसानी से घर में अपने ग्रो कर सकते हैं गमले में लगा के। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है बेटा? हर्ब मीन्स जड़ी बूटियाँ, श्रब मीन्स झाड़ियाँ, ठीक है? आप लोग मेरे साथ साथ में पेंसिल रख के समझो बेटा इसको ध्यान से। बुक लेकर बैठना है अब से आपको रेगुलर। आज से आप लोगों का शुरू हो गया है, कोर्स शुरू हो गया है, ठीक है? तो आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान रखना है, और जहाँ जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों को साथ में पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है? इसको बार बार रिपीट करना है ताकि आप लोग भी बुक पढ़ना सीख जाओ, ओके? अब नेक्स्ट क्या है? क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स लताएं। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। देखो, सम प्लांट्स मीन्स कुछ पौधे कैसे होते हैं जो ग्राउंड में मीन्स जमीन पर ही फैलते हैं, उनको आप पौधों में मीन्स गमलों में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो ऐसे ऊंचे नहीं उगते हैं, वो ऐसे ऐसे मैदान में जमीन में रेंग रेंग के पड़ते हैं, सांप की तरह, ठीक है? दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड, मीन्स अपवर्ड मीन्स वो ऊंचे उठकर पेड़ पौधों के तरह नहीं बढ़ सकते हैं, वो जमीन पर ही फैलते हैं। जैसे सांप यूं यूं बढ़ता है ना, जमीन पर ही वो रहता है सांप, वैसे ये क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर की कैटेगरी में जो पौधे आते हैं, वो भी सांप के तरह जमीन में ही लोट कर बड़े होते हैं। आ रहा है समझ में? दे आर कॉल्ड क्रीपर। ऐसे जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स लताएं। वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर क्रीपर्स। अब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वाटरमेलन मीन्स तरबूज, पम्पकिन मीन्स कद्दू, ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्रीपर्स के, लताओं के। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम ये भी तो प्लांट ही है, हम इसको भी खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन ये तो ऊंचा नहीं उठ रहा है, ये तो जमीन में ही फैल रहा है, तो क्यों खाद और पानी तो सबको बराबर देते हैं, तो ये क्यों जमीन में फैलता है, ये ऊपर नहीं उठता है? क्यों? क्योंकि अगर देखो इसका फ्रूट कितना बड़ा है ना, वाटरमेलन कितना बड़ा होता है, छोटे से छोटा वाटरमेलन भी कम से कम 1 kg या 2 kg का होता है, ठीक है? समर में सब खाते हो तो सबको पता होगा, बराबर। कद्दू भी खाते हो, पम्पकिन गंदा लगता है पर खाना चाहिए, ठीक है? तो उस वो भी कितना बड़ा रहता है, अगर ये भी ट्री पर उगे इतने ऊंचाई पर, तो अगर वो टूट के गिरा तो सिर फूटेगा, नहीं फूटेगा? किसी का फूट जाएगा ना सिर, चोट लग सकती है ना, इसलिए भगवान ने क्रीपर्स को बनाया ही इस तरीके से होए, ताकि वो जमीन में ही बढ़ें। इन लोगों के जो पौधे रहते हैं उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो ऐसे जमीन में बढ़ के और इस फल का वजन सहन कर सकें।
जिस कारण से वो फल टूट के नीचे गिर जाएगा और किसी को चोट लग सकती है। ये पौधे इतने नाजुक रहते हैं जिस वजह से उनको सहारा किसका लेना पड़ता है, जमीन का सहारा लेना पड़ता है ग्रो होने के लिए। और फिर जब इसमें से जब ये वाटरमेलन या कद्दू निकलता है तो वो जमीन में ही रहता है जिस वजह से किसी को चोट नहीं लग पाती है, और यहाँ से उसको काट कर यूज़ कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो जो बड़ा फल दें लेकिन उनके पत्ते पत्ते देखो कद्दू के बड़े हैं, ठीक है, वाटरमेलन के छोटे हैं, लेकिन उनकी डालियाँ मजबूत नहीं होती है लेकिन फल बहुत बड़ा देते हैं, ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है? क्रीपर्स, मीन्स लताएं। आया है समझ में सबको बेटा? नेक्स्ट पेज लें, देखो नेक्स्ट पेज क्या है? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स पर्वतारोही पौधे। सम प्लांट्स नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऊंचा तो बढ़ सकते हैं, उनमें हिम्मत है ऊंचा बढ़ने की, लेकिन उनको किसी और पौधे का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो खुद के सहारे से ऊपर बढ़ सकें। तो जैसे कि ये ट्री है, ठीक है, अब कोई क्लाइंबर का पौधा इसके यहाँ पर आपने लगा दिया, तो उसको इसकी जब डाली निकलेगी तब आपको किससे इसको ज्वाइंट कर देना पड़ेगा? इस पेड़ के डाली से, ताकि वो उस पर लपेट कर बड़ा हो सके। आ रहा है सबको समझ में? ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स, मीन्स वो दूसरों के सहारे पर बड़े होते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है? क्लाइंबर्स, पर्वतारोही। सम प्लांट नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, दे आर सो वीक दैट दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड ऑन देयर ओन। वो लोग इतने वीक मीन्स वो इतने कमज़ोर होते हैं वो पौधे, कि वो खुद के सहारे से ऊपर नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनको किसी और का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है? क्लाइंबर्स मीन्स पर्वतारोही। पिया एंड ग्रेपवाइन आर क्लाइंबर्स और ट्विंस। मनी प्लांट इज ऑल्सो आ क्लाइंबर। पिया मीन्स पीस, मटर। ग्रेप वाइन्स मीन्स अंगूर। अंगूर और मटर कैसे हैं? क्लाइंबर्स हैं। और क्लाइंबर्स या इनको ट्विंस भी बोला जाता है। क्यों ट्विंस बोला जाता है? ट्विंस मीन्स जुड़वा। इन लोगों को क्यों ट्विंस बोला जाता है? क्योंकि ये दूसरों के सहारे बड़े होते हैं, यानी कि अगर ट्री बड़ा हो रहा है तो उसके सहारे से क्लाइंबर भी बड़ा हो रहा है, तो दोनों साथ में बड़े हो रहे हैं ना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्विंस भी बोला जाता है। मनी प्लांट इज ऑल्सो अ क्लाइंबर। मनी प्लांट घर में लगाया होगा ना, ये मनी प्लांट दिल के शेप का पत्ता रहता है, जिसको गुजराती में लक्ष्मी बेल भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना, मनी प्लांट घर में रखने से लक्ष्मी माता आती है इसलिए इसको मनी प्लांट बोलते हैं, तो वो भी कैसा है? क्लाइंबर है। अगर जिस जिसके घर में मनी प्लांट है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जब उसकी डाली निकलती